गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड COVID-19 इन्फेक्शन एंड आई थिंक दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम टू ईच अदर एंड दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर योर स्टूडेंट ऑल्सो बिकॉज अ स्टूडेंट गेट्स गैप फॉर द रिविजन ऑफ क्लास 11th and there are the various chapters and this is crucial time for your family. So I hope you all are very well and through this class we are interacting to each other and hope so we will do very good. Okay? So next up, हम लोग इतने लंबे gap के बाद जो डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है, हमने आपको लास्ट टॉपिक कराया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को, और उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी को इम्यूनोलॉजी भी आगे जाके कहते हैं, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं. तो इसमें दो पार्ट हैं. तो हमारा जो चैप्टर है आज का वह है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. इसमें दो पार्ट है इस चैप्टर के. एक पार्ट है इंफेक्शियस एजेंट से होने वाले डिजीज, यानी डिजीज के नाम और उसके एजेंट का नाम, यानी पैथोजेन का नाम. तो वो डिजीज में हम लोग पहले कवर करेंगे, और उसके बाद का दूसरा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर में वो है इम्यूनिटी, यानी इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम हमारा कैसे बिल्डअप होता है और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे किसी पैथोजेन से फाइट करता है, इस चैप्टर का वो सेकेंड पोर्शन है. तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. नीट में अगर आप सिर्फ इस चैप्टर से रिलेशन लेके चलोगे, क्योंकि इस चैप्टर का रिलेशन और भी दूसरे चीज से है, क्योंकि ये वायरस से भी कनेक्ट होता है, बैक्टीरिया से कनेक्ट होता है, माइकोप्लाज्मा से कनेक्ट होता है, और थोड़ा फंगाई से भी कनेक्ट होता है. तो अगर इस चैप्टर को लेके चलेंगे तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्स 3 to 4 क्वेश्चन रहेंगे. तो आपको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर फोकस करना होगा. अब हम लोग जैसा देख रहे हैं ये चैप्टर है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम मिले तो फिर से बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सब चीजों का रिवीजन कर ले, उससे आपको हेल्प मिलेगी. अभी आगे हम लोग का इम्यूनिटी अभी आने वाला है, बहुत आगे अभी आएगा, तो वहां पर भी उसके रोल कुछ समझ में आएंगे, ठीक है ना. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर हेल्थ की. हेल्थ का हमारा डेफिनेशन जो है वो क्या कहता है, तो इट इज डिफाइंड एज state of complete physical, mental and social well-being, not only एबसेंस ऑफ डिजीज. किसी को हेल्दी हम कब कहेंगे? मान लिया अगर मैं हेल्दी दिख रहा हूं, तो हम अकॉर्डिंग टू WHO या फिर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम हेल्दी तभी काउंट होंगे कि जब हम फिजिकली, यानी हमारे बॉडी पूरी तरह से फिजिकली फिट है, और मेंटली, यानी ना ही हम किसी तरह के डिप्रेशन में हैं,
यानी पूरी तरह से खुश हैं और क्या सही क्या गलत के डिसीजन को हम समझ सकते हैं, गलत और सही के बीच में पहचान कर सकते हैं, यानी ये हुआ हमारा मेंटल कंडीशन। तो हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं और साथ ही साथ सोशल, कहने का मतलब हुआ कि हम बहुत अच्छे हैं, अपने मेरा बॉडी पूरा फिट है, हम सही गलत समझ सकते हैं, लेकिन हमारे सोशल बिहेवियर हमारा बहुत खराब है, किसी से नहीं बन पा रहा है, सबसे लड़ झगड़ रहे हैं, यानी सोसाइटी में हमारा रोल यानी इंपॉर्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, तो उससे भी इंसान डिप्रेशन में आता है। तो दिस इज द, ये हमारा क्या कहेगा कि हम हेल्दी नहीं है। तो ये तीनों तरह से फिट होना चाहिए, कैसे, तो फिजिकल यानी हम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोसाइटी में हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल हो, यानी सोसाइटी में जान पहचान हो, लोगों से मिलना जुलना हो, आपस में बात विचार व्यवहार हो, एक दूसरे से बात करें, मिले घूमे, सब हमें अच्छा कहें, या सब नहीं तो कुछ अच्छा कहें, कुछ लोग बुरा कहें, डजंट मैटर, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सोसाइटी में यानी सोसाइटी के बीच में अच्छे से रहें। तो ये सारा चीज जो हुआ मिला करके तब हम कहलाएं कि हम हेल्दी हैं। इनमें से कोई भी एक चीज अगर हमारा फिट नहीं है, इसका मतलब हुआ कि हम फिट नहीं है। तो ये हुआ हमारा हेल्थ का डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें डिजीज की, ठीक है, तो डिजीज क्या कहता है, तो डिजीज का मतलब हुआ कि जब किसी भी फैक्टर से या किसी पैथोजेन से, फॉरेन एलिमेंट या किसी फैक्टर की वजह से, फैक्टर भी हो सकता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वह कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे हमारे बॉडी में, यानी वो अपना जो वर्क है वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हम फिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। और डिजीज के एक सिम्टम्स एंड साइन होते हैं। तो किसी चीज को डिजीज हम तब मानते हैं जब उसका कोई सिम्टम्स हमारे बॉडी में आता है। तो टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, सॉरी टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज के क्या टाइप्स हैं, ठीक है, तो डिजीज के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो डिजीज को सबसे पहले टू क्लास में हम लोग बांटते हैं, ठीक है, यानी एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है, यानी कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब हुआ कि ऐसा डिजीज जो जेनेटिकल डिसऑर्डर के थ्रू हो रहा है, यानी उसमें कोई ना कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर आया है। तो ये जो है वो जेनेटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम यहां पर दे सकते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बहुत सारे जो भी सिंड्रोम है, तो ये सब जो है वो जेनेटिकल रिलेटेड डिजीज है, यानी कि जो हमारे क्रोमोजोम के नंबर के वजह से ये डिजीज हमारे अंदर होती है, यानी उसमें क्रोमोजोम के नंबर में कोई क्रोमोजोम का नंबर बढ़ गया या कोई क्रोमोजोम का नंबर घट गया, जिसके वजह से ये डिजीज होता है। और दूसरा है, सेकेंड वन इज एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर डिजीज का मतलब हुआ, एक्वायर करने का मतलब होता है प्राप्त करना, जिसे हम खुद प्राप्त किए हैं, यानी जन्म लेने के बाद ये हमारे अंदर ये डिजीज यानी ये प्रॉब्लम आया है, ठीक है ना, ऐसे भी। तो एक्वायर करने का मतलब, होता है प्राप्त करना, मतलब जिसे हमने लिया है, तो उसी तरह ये डिजीज जो है वो हमने लिया है, यानी हमारे अंदर ये डिजीज आया है, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज टू क्लास के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल एंड
नॉन कॉम्युनिकेबल। ओके, यानी कि ये हुआ कि कॉम्युनिकेट हो करके यानी किसी फैक्टर से हमारा कॉम्युनिकेशन हुआ है जिसके वजह से ये डिजीज हमारे अंदर आया है, और दूसरा कि किसी कॉम्युनिकेशन की वजह से नहीं आया है, कोई डिसऑर्डर की वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आया है। ठीक, कॉम्युनिकेबल का मतलब हुआ इन्फेक्शियस, और नॉन कॉम्युनिकेबल का मतलब नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, कॉम्युनिकेबल भी टू टाइप के, एक होता है कॉन्टेजियस और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस है नॉन कॉन्टेजियस। ओके, कॉन्टेजियस का मतलब हुआ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और नॉन कॉन्टेजियस का मतलब थ्रू कॉजिंग एजेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग सभी लोग कोरोना को जान रहे हैं, तो कोरोना क्या हुआ, कॉन्टेजियस में इसको हम लोग रख देंगे। क्यों, एक पर्सन के यानी जो कोरोना का पेशेंट है उसके पास पास भी अगर हम गए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमें डायरेक्ट वो डिजीज हो सकता है। तो कॉन्टेजियस का मतलब कि जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से हो जाए, कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर बगल में हमने बैठा या उसके बगल में हम कोई काम किए और वो हमारे कॉन्टेक्ट में अगर आया तो डायरेक्ट हमें वो डिजीज हो गया। तो दैट इज, ये क्या हो गया, कॉन्टेजियस। कोरोना से अभी सभी लोग जान रहे हैं। और दूसरा हुआ नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कॉन्टेजियस का मतलब हुआ कि जो किसी काउजिंग एजेंट के थ्रू, जैसे मलेरिया, मलेरिया का अगर कोई पर्सन है और उसके पास में अगर हम हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मलेरिया हमें हो जाएगा। मलेरिया हमें होगा उस मॉस्किटो के काटने से, यानी कि मलेरिया का कोई पेशेंट है वहां पे मॉस्किटो आएगी, उस मलेरिया के पेशेंट को काटेगी, और काटने के बाद अगर वही मॉस्किटो हमें काट लेती है तो हम मलेरिया के पेशेंट हो सकते हैं। तो दैट इज द नॉन कॉन्टेजियस, तो किसी काउजिंग एजेंट के थ्रू ये हुआ। अब बात करते हैं हम लोग नॉन कॉम्युनिकेबल की, यानी जिसको जो किसी दूसरे के अगर कोई पेशेंट है और उसके साथ हम रहना खाना पीना सब चीज करें तो भी हमें जरूरी नहीं है कि वो हमें कोई इफेक्ट करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके साथ रहने से खाने से पीने से सोने से हमें वो डिजीज नहीं होगी, वो डिसऑर्डर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यानी इसको देखिए, कैंसर। कैंसर एक भयावह बीमारी है, बड़ा डिजीज है, ज्यादातर मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और उसके साथ अगर हम रह रहे हैं तो ये नॉन इन्फेक्शियस है, उस कैंसर के पेशेंट से हमें कैंसर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो ये नॉन कॉम्युनिकेबल में आता है। तो जैसे कैंसर हो गया, फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर कहने का मतलब कि मेंटली चैलेंज हो गया या किसी की मेमोरी चली गई, वो भी डिसऑर्डर है। तो उसके साथ रहने से दूसरे पर्सन को कुछ नहीं होना है तो मेंटल, एक हो गया डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कहने का मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो डिजीज अगर उसमें हुआ है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन उसके जो साथ में उसको भी वो हो, तो डेफिशिएंसी। उसके बाद डिजेनरेटिव, एडिक्शन,
यानी कि कोई पर्सन एडिक्टेड हो गया है किसी चीज का, अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, कोई दूसरे ड्रग का एडिक्शन हो गया, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में है। तो मेंटल हो गया, मेंटल प्रॉब्लम डेफिशिएंसी का, डिजेनरेटिव का, एडिक्शन का या फिर कैंसर का, ये सभी जो है यह एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर में आते हैं, यानी इनके वजह से किसी दूसरे पर्सन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। या साथ ही साथ एलर्जी का भी कंडीशन, जैसे एलर्जी से बहुत सारे डिजीज होते हैं, तो एलर्जी का कंडीशन ये भी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल में है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अब जो टाइप्स ऑफ डिजीज है, यानी खास करके हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज में जो कॉन्टेजियस है खास करके या थोड़ा नॉन कॉन्टेजियस भी, वो कौन कौन से पैथोजेन से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो पहले आपका अगर इतना नोट डाउन हो गया है तब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और तब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज हैं या कब किस किस फैक्टर से होने वाले कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पैथोजेन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो वेरियस टाइप के होते हैं। अगर ये हुआ तब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आप सारी चीजों को अपने नोटबुक में जरूर से नोट डाउन करते चले। बिना नोट डाउन किए हुए कोई फायदा नहीं है, आपको एक बार अपने नोटबुक में, जैसा कि हम हर क्लास में कराते आए हैं, सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है आपके अपने नोटबुक में। और साथ ही साथ क्योंकि जब भी हम डायरेक्टली या पर्सनली मिलेंगे तो हम किसी का भी नोटबुक चेक करेंगे, किसी का भी, और अगर ये क्लास का नोटबुक रेडी नहीं रहा तो फिर आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ये डेफिनेटली है। तो आप प्लीज जितने भी ये आप क्लास कर रहे हैं वो सारी बातें आपको अपने नोटबुक में होना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि चलो अभी पढ़ लिया समझ में आ गया कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करने का, आपको सीरियसली सारा चीज नोट डाउन करना है। अब आइए देखते हैं हम लोग there are various types of communicable disease by various causing, ऐसे बहुत सारे causing agent है जो communicable disease को करते हैं। example के रूप में जैसे हम लोग देखेंगे viral disease के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम लोग mycoplasma disease के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पाइरल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बाद में हेलमिंथिक डिजीज, और फिर हम लोग देखेंगे फंगल डिजीज। तो इतने सारे पैथोजेन से रिलेटेड वन बाय वन हम लोगों को डिजीज देखना है, यानी वायरल डिजीज, माइकोप्लाज्मा से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, एस्पायरोकिटियल डिजीज, प्रोटोजोन्स यानी प्रोटोजोआ वगैरह से होने वाले डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज और फंगल डिजीज, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट
एक वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे बहुत सारे डिजीज हम लोगों को पढ़ना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको डिजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही नीट में, और एक दो क्वेश्चन नी ये इम्यूनिटी से, तो आपको मिनिमम दो क्वेश्चन या वन क्वेश्चन तो हर हाल में रहना है डिजीज से। और उसके लिए आपको डिजीज के नाम और उसके काउजिंग एजेंट या उसके सिम्टम्स को थोड़ा थोड़ा करके आपको याद रखना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन सा, तो अब हम लोग देखेंगे वायरल डिजीज को। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगर इतना हुआ तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब वायरल डिजीज। आज वायरस कितना बड़ा समस्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा दुनिया जानता है। पूरी दुनिया बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े एटम बम, मॉलिकुलर बम, हाइड्रोजन बम, तो बड़े बड़े मिसाइल ये सारे बनाने में लगे रहे, लेकिन एक छोटा सा वायरस क्या, बायो वेपन्स क्या चीज होता है वो देखिए। ये सारे धरे के धरे रह गए, आज पूरा वर्ल्ड एक COVID-19 से इतना परेशान कि पूरा विश्व जो है, किसी कंट्री का पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो रहा है, किसी कंट्री के पूरे पॉपुलेशन बर्बाद हो रहे हैं, बड़े से बड़े कंट्री और छोटे से छोटे कंट्री इस चीज के प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप देखें कि वायरस क्या चीज है, और जो वायरस न खुद लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो लोगों को कितना परेशान कर सकता है, जिसका डायमीटर क्या है, लगभग अगर बड़ा वायरस है पॉक्स वायरस वगैरह का डायमीटर 450 नैनोमीटर, कोई छोटा वायरस है तो उसका 20 नैनोमीटर, यानी बैक्टीरिया से भी काफी छोटा। हम बैक्टीरिया को ही नहीं देख पाते हैं अपनी आंखों से, और जबकि ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, और इतना छोटा सा चीज आज पूरे विश्व को हिला के रखा है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, तो जो जितना छोटा होता है उतना खतरनाक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये वायरल डिजीज को। सबसे पहले वायरल डिजीज में हम लोग देखेंगे पोलियो, माइलिटिस, या इसी को कहते हैं हम लोग पोलियो, या इसी को हम लोग कहते हैं इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ठीक है, तो ये तीन नाम है इसके, पोलियोमाइलिटिस या जनरली पोलियो के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, और इसी का नाम है इन्फेंटाइल पैरालिसिस। अगर हम लोग इसके अब पैथोजेन की बात करें तो किस पैथोजेन की वजह से यह होता है, क्या नाम है, तो उसका नाम है पोलियो वायरस। क्या नाम, तो पोलियो वायरस के थ्रू, यानी उस पैथोजेन का नाम है पोलियो वायरस, ठीक, या इंटेरो वायरस भी इसी का नाम है, एक और नाम भी आता है कहीं कहीं पर एंटेरो वायरस, बट ज्यादा ये फेमस नाम है पोलियो वायरस। ओके, अब इसके देखो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, या ट्रांसमिशन कैसे ये हमारे बॉडी में इंटर करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन से समझिए, तो ये हमारे बॉडी में कैसे एंट्री मारता है, ये सबसे पहले हमारे एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचता है, और एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचने के लिए या तो यह फीकल के थ्रू पहुंचेगा या ओरल माउथ के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। तो जब इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सब डिजीज को रोकने के लिए ओपन डेफिकेशन को बैन किया, रोकने की कोशिश की, ठीक है। तो देखो इट रीचेस टू एलिमेंट्री कैनाल थ्रू
people of oral mouth, through fecal or oral mouth, and then reach to nervous system. सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पहुंचने की कोशिश करेगा, वहां से होते हुए फिर कहां पहुंचेगा, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। जब नर्वस सिस्टम में हमारा आता है तब ये अपना रोल दिखाना चालू करता है कि हम क्या चीज हैं। अब अगर इसके हम लोग सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स क्या क्या, तो सबसे पहले स्टिफनेस ऑफ नेक, नेक में स्टिफनेस ले आएगा, यानी सही से नेक बैलेंस नहीं होगा, और बच्चों में सबसे ज्यादा ये होता है। तो सबसे पहले स्टिफनेस ऑफ नेक, 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा डर रहता है ये। देन स्टार्ट पैरालिसिस, देन स्टार्ट पैरालिसिस ऑन बॉडी। क्यों? क्योंकि यह हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे डिजेनरेट करने का काम करता है। मतलब कहने पैरालिसिस कब स्टार्ट होगा, तो पैरालिसिस इसी तरह नहीं स्टार्ट होगा। पैरालिसिस स्टार्ट होने का मतलब है कि हमारे नर्वस सिस्टम को ये कुछ ना कुछ डैमेज कर रहा है, साथ ही साथ इसमें हाई फीवर, हेडेक और बॉडी में पेन, तो ये सब भी इसके सिम्टम्स है। यानी या हाई फीवर, पेन ऑल ओवर बॉडी, पेन ऑल ओवर बॉडी, हेडेक, और बहुत ठंडी लगने का भी प्रॉब्लम हो सकता है, चिलनेस, ठीक है। तो ये सब जो हुए वह सिम्टम्स हुए। अब अगर इसका ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट क्या है, देखिए ट्रीटमेंट के रूप में इसका हम लोगों ने वैक्सीन तैयार किया। वैक्सीन जो है वह 2 वैक्सीन तैयार हुए, आईपीवी और ओपीवी। आईपीवी का मतलब हुआ कि जो हम लोग थ्रू इंजेक्शन यानी इंट्रावेनस के थ्रू, और ओपीवी का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये दोनों तरीके से, और नाउ एड एज ओरल पोलियो वैक्सीन सबसे ज्यादा यूज में है। पोलियो का टीका देखते हुए घर घूम घूम करके ये जो महिलाएं लोग होती थी आंगनबाड़ी की या और सब जगह की, ये लोग पोलियो का टीका घर में हर डोर टू डोर, एक पहले कहा जाता था एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, यानी एक बच्चा भी अगर छूट गया तो सुरक्षा का चक्र टूट जाएगा, यानी एक बेबी से दूसरे बेबी में, दूसरे से तीसरे बेबी में ये तुरंत कम्युनिकेट होने लगेगा। तो इसी को रोकने के लिए यानी ट्रीटमेंट के रूप में, तो सबसे पहले जो बच्चा है यानी कि सबसे पहले तो जो बच्चा स्कूल में जाता है वहां पर टॉयलेट की साफ सफाई अच्छे से हो, जो बच्चा है उसको सेपरेट करके रखा जाए अगर कोई बच्चा इससे इंफेक्शियस हो चुका है तो, और नहीं तो वैक्सीन जो है वह सबसे बेस्ट इसका क्या है, तो सॉल्यूशन है। तो पहला जो फर्स्ट इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वह प्रिपेयर हुआ था जोनास साल्क के थ्रू। तो फर्स्ट इंजेक्टेबल, फर्स्ट इंजेक्टेबल वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, सॉरी ये पीओ पोलियो वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय जोनास साल। उसके बाद में दूसरा जो है आई सैवी और इनके सहयोगी इट ऑल
प्रिपेयर ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसको सेबिन ने प्रिपेयर किया था। तो ये इस तरह से हम लोग वायरस को किल कर सकते हैं, ठीक, या इनएक्टिव कर सकते हैं। अब आइए सेकंड में है हम लोगों का कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो रैबिज का सॉरी रैबिज कह रहे हैं, यानी ये जो पोलियो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 days होता है, यानी 7 से, यानी आज अगर वो वायरस उस बच्चे के अंदर बॉडी में गया है तो 7 से 14 दिन के बाद वह डिजीज में सिम्टम्स दिखाएगा। तो 7 to 14 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हुआ कि कोई इंफेक्शन अगर हमें, जैसे आप अभी कोरोना का देखते होंगे 14 to 15 days जो है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड बोलता है, मतलब अगर आज कोरोना का वायरस किसी के बॉडी में गया है तो वह 3 दिन के बाद भी सिम्टम्स दिखा सकता है या फिर 14 दिन के बाद भी सिम्टम्स दिखा सकता है। यह एक जनरल अभी है, कोरोना तो सबसे लेटेस्ट है, उस पर भी बहुत सारा रिसर्च और काम होना बाकी है। तो कहने का मतलब इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद वह सिम्टम्स जो है दिखाता है कि ये डिजीज से सफर कर रहे हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या बताते हैं उसको, डॉक्टर के पास जाकर के हम सिम्टम्स बताते हैं, इतने दिन से फीवर है, बदन में दर्द है, तो डॉक्टर अनुमान लगाता है ये सिम्टम्स किस डिजीज का है, तो इसका है, तब उसका टेस्ट लिखता है, डायग्नोज कराता है और तब कंफर्म होता है कि आप इस डिजीज से सफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट डिजीज है हमारा रैबिज, ठीक है। रैबिज के बारे में जानते हैं कुछ, रैबिज किसके थ्रू होता है, क्या होता है? तो रैबिज बहुत ही नॉर्मल वेल नोन डिजीज में से एक है, जो कुत्ते के और खास करके पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है। तो रैबिज जो है यह भी एक वायरल डिजीज है, जो पैथोजन है वो रैबिज वायरस के थ्रू होता है। तो देखो कि सबसे पहले अगर रैबिज की हम लोग बात करें तो रैबिज का पैथोजन, क्या बोला मैंने पैथोजन में कौन सा पैथोजन है, तो इसका रैबिज वायरस पैथोजन है, कौन सा, तो रैबिज वायरस। उसके बाद यानी कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो बाइटनिंग ऑफ मैड डॉग, मैड डॉग जनरली, ठीक है ना, नॉर्मल डॉग भी है और उसके अंदर भी, क्योंकि ये सब जो एनिमल है जैसे कैट डॉग वॉल्फ इन सब के माउथ में ये वायरस जो है वह सरवाइव करता है, और अगर वो काटे तो वो वायरस हम उनके टीथ से हमारे यानी उनके सलाइवा में होगा और उनके सलाइवा से हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आकर के यह हमें डिजीज करता है। तो बाइटिंग ऑफ मैड डॉग एंड कैट ऑल्सो, इनके भी काटने से हो सकता है। इसका अगर हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड देखें कि कितने दिन में यह डिजीज दिखाता है, यह बहुत खतरनाक बीमारी है, जनरली जो है यह 10 to 10 days से 1 year तक इंक्यूबेशन दिखाता है, कभी कभी ये 5 साल के बाद भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 साल ही, बट इन जनरली कितना 1 year तक इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है। अब इसके अगर सिम्टम्स की बात करोगे तो इस डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं, इस डिजीज के सिम्टम्स है सबसे पहले
कि जो पेशेंट होगा वह पानी से डरेगा, यानी कि फियर ऑफ वाटर पहली बात। दूसरा, माउथ से जैसे डॉग सलाइवा निकालते रहता है उस तरह यह माउथ से सलाइवा को निकालता रहेगा। सेक्रेशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ। ठीक, साथ ही साथ जो डॉग के जैसा साउंड है वो भी निकालने लगता है, यानी जैसे कुत्ता भौंकने का आवाज निकालता है उस तरह से अगर ये पेशेंट है तो ये भी कुत्ते के जैसा धीरे धीरे भौंकना चालू कर देगा। ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि उसके ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है उसी को ये डैमेज कर देता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी, और इसमें 100% मरना तय है। तो इसमें हाई फीवर भी होता है, हाई फीवर, हेडेक, ये सब कॉमन चीज है। हेडेक ये सब जो है वो कॉमन चीज है। क्यों ऐसा होता है? दिस इज ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ या डैमेज ऑफ, अभी हम सिम्टम्स में ये रीजन बता रहे हैं, दिस इज ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को यह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। फिर अगर इसकी बात करें कि हम लोग सिम्टम्स के बाद में अगर इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या है, तो ट्रीटमेंट के रूप में यही है कि ऐसे जितने भी डॉग हैं या जो कैट वगैरह हैं उनको हम लोग सोसाइटी से एलिमिनेट कर दें, हटा दें। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि जैसे ही डॉग काटा यानी डॉग की बाइटिंग हुई इस तरह के डॉग की, तो हम लोग तुरंत जो है वो वैक्सीन को ले लें, रैबिज वैक्सीन, ठीक है ना, या एंटीबॉडी ले लें। तो सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डॉग फ्रॉम सोसाइटी, साथ ही साथ वैक्सीनेशन ऑफ डॉग। इसीलिए जो कुत्ता हमारे घर पे रहने वाला है जिसे हम प्यार से कभी पालते हैं तो उस डॉग को इंजेक्शन दे करके उसमें एंटी रैबिज का टीका दिलवा देते हैं, ताकि अगर गलती से वो किसी को काटे भी तो रैबिज होने के चांसेस उस पर्सन में ना हो। और आफ्टर बाइटिंग टेक रैबिज एंटी रैबिज वैक्सीन, एंटी रैबिज वैक्सीन। तो ये सब जो है ये जान जाओ कि इसमें 100% फेटल चांसेस है, मतलब मरेगा ही, अगर एक बार रैबिज हो गया तो 100% फेटल इफेक्ट होता है, वो पर्सन मरेगा ही। इसीलिए इसका सिर्फ हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, यानी रैबिज अगर एक बार हो गया किसी को तो उसको नहीं बचा सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। तो उसको होने के पहले हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, होने के बाद नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये 100% फेटल इफेक्ट देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रैबिज को भी देख लिया। ओके,
रैबिज के बाद में फिर देखेंगे हम लोग कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को सभी लोग जानते हैं, कॉमन कोल्ड यानी ठंडी के टाइम पे होने वाला जो सर्दी जुकाम है, जो हमें बहुत परेशान करते रहता है, वह है कॉमन कोल्ड, या इसी को राइनिटिस बोलते हैं, ठीक है, जो रिनो वायरस के थ्रू होता है। तो कॉमन कोल्ड या इसी को राइनिटिस। तो इसके पैथोजेन की अगर हम लोग बात करें, कौन से पैथोजेन के वजह से होता है, तो वह है रिनो वायरस। ओके, पैथोजेन मतलब ये कौन से वायरस है, तो रिनो वायरस के वजह से यह होता है। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यह 3 से 7 दिन तक का जनरली टाइम लेता है। इंक्यूबेशन में बहुत ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है, तो लगभग 3 से 7 दिन का ये टाइम लेता है, 3 to 7 days। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन्हेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट, इन्हेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और ये क्या इफेक्ट करेगा, तो ये हमारे नजल पैसेज को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, बट इट नॉट इन्फेक्ट टू आवर लंग्स। लंग्स को कुछ नहीं करेगा, इट अफेक्ट नजल पैसेज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट इन्फेक्ट टू आवर लंग्स, लेकिन हमारे लंग्स को कुछ नहीं करेगा। ठीक, सिम्टम्स बताना पड़ेगा मुझे, सभी को किसी ना किसी एक ना एक बार तो जुकाम हुआ ही होगा, तो याद करो वो दिन जिस दिन आपको जुकाम हुआ था, और वो याद करके आप लिख डालो, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें बताना पड़ेगा, तो आप सुन लो, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान रहा हूं। यानी कहने का मतलब, जिसको साइनस का प्रॉब्लम होता है उससे जुकाम बहुत ज्यादा होती है, और मुझे साइनस का प्रॉब्लम इसलिए, मैं हमेशा आप लोगों के सामने देखते होंगे छी छी हाथ छी करते रहता था, ठीक है। तो देखिए, तो सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में क्या क्या हो जाएगा, हेडेक भी हो सकता है, साथ ही साथ नजर पैसेज से सेग्रेशन हो सकता है, यानी नाक से जो है वो लिक्विड जो है वो आते रहते हैं। अब अगर ज्यादा बोलेंगे तो कुछ लोग कहेंगे आख छी, तो वो भी एक सिम्टम्स में से एक है, यानी नजल कॉन्जेशन, नजल सेक्रेशन, हेडेक हो गया, तो और भी है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर नाक बंद रहेगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम जो होंगे वह इसके
कॉमन कोल्ड के हो गए। तो हम लोगों ने ये तीन डिजीज को देखा, अब हमें देखना है इसके आगे के जो वायरल डिजीज हैं उसके बारे में। तो अगर इतना हो गया है आपका अब हम लोग देखेंगे चिकनगुनिया, ठीक है, क्या कहता है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया के बारे में हम लोग समझेंगे बात को कि चिकनगुनिया क्या है। ओके, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि अब हम लोगों को देखना है क्या, तो वो है चिकनगुनिया के बारे में, क्योंकि कॉमन कोल्ड देख लिया तो वायरल में हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं, चिकनगुनिया, डेंगू और थोड़ा हेपेटाइटिस के बारे में हम लोग को देखना है बस। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया वगैरह दिल्ली में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, खास करके ये रेनी सीजन में, ठीक है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का जो वायरस है यानी जो पैथोजेन है उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। क्या नाम है उसका पैथोजेन का? चिकनगुनिया वायरस ही नाम है उसका। ओके, यह वायरस अगर इसमें हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड इसका देखें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 डेज तक यह रहता है, 3 to 8 डेज। ओके, और इसका ट्रांसमिशन तो ट्रांसमिशन यानी चिकनगुनिया जो है वो एक्चुअली हमें एडिज एगिप्टी करके एक मॉस्किटो है उसके काटने से होता है। एंड चिकनगुनिया को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था चिकनगुनिया पेशेंट एंड एडिज एगिप्टी मॉस्किटो इन तंजानिया। तंजानिया एक कंट्री का नाम है, अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, तो वहीं पर यह आइसोलेट हुआ था। It was isolated in chikungunya patient and Aedes aegypti मॉस्किटो तंजानिया, ठीक है। तो ये स्प्रेड कैसे होता है यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है, तो यह थ्रू द बाइटिंग ऑफ बाइट ऑफ एडिज एगिप्टी मॉस्किटो। अब इसका सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में फीवर होगा, हाई फीवर, बॉडी पेन, हेडेक और वोमिटिंग भी हो सकता है। तो ये सारे जो है इस तरह से, और बॉडी का जो पेन होगा वह बहुत पेनफुल होगा, मतलब दर्द ज्यादा है, ज्वाइंट पेन भी कह सकते हैं यानी यह ज्वाइंट पेन भी देगा। ओके, तो हाई फीवर, बॉडी पेन, ज्वाइंट पेन, हेडेक, वोमिटिंग, ये सारा जो है यह इसका
सिम्टम्स में से एक है। तो दिल्ली बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है चिकनगुनिया से, चिकनगुनिया जो है वो ज्यादातर चिकनगुनिया और डेंगू इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। तो फॉरेन कंट्री के रेस्पेक्ट में इंडिया इसका मेन पार्ट है। सिम्टम्स के साथ साथ अब इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो इसका ट्रीटमेंट एलिमिनेशन ऑफ एडीज मॉस्क्यूटो, तो जो मॉस्क्यूटो है उसको हम लोग हटाएंगे, और इसका कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। तो इसका कोई पार्टिकुलर ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है तो पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे इसका कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और पारासीटामोल फॉर फीवर के लिए दे सकते हैं, एंड एनाल्जेसिक एनर्जेसिक यानी एस्प्रिन फॉर ज्वाइंट पेन। तो ये सब चीज के लिए ये चीज पेशेंट को दिया जाता है, यही इसका ट्रीटमेंट हुआ। तो चिकनगुनिया तक की बातों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ओके। तो वायरस में हम लोग इतना तक के डिजीज को देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेंगू के बारे में और हेपेटाइटिस के बारे में, ओके। Thank you.